हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में हर साल लाखों लोग अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाते हैं और स्कूल का चुनाव करते समय अनेक तरह के इन्फॉर्मेशंस एकत्रित करते हैं, लेकिन सारे पेरेंट्स क्या कॉन्शियस होते हैं कि वे सही स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा सके। कुछ पेरेंट्स तो सोशल स्टेटस और स्टेटस सिंबल के हिसाब से स्कूल का चुनाव करते हैं, कुछ पेरेंट्स के लिए ये मात्र एक जिम्मेवारी होती है, कुछ पेरेंट्स बाकी किसी पड़ोसी को देख के अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल में डाल देते हैं। अधिकांश लोग बच्चों को स्कूल में डालने से पहले स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स समय रहते बच्चों के एडमिशन के पहले कुछ बातों पर ध्यान रखे तो स्कूल के चुनाव में उन्हें असुविधा नहीं होगी। और यह बहुत आसान है, केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि वे क्या क्या बातें हैं, यदि पेरेंट्स अभिभावक उन सब बातों को यदि ध्यान में रखते हैं और सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं तो वे एक सही स्कूल को अपने बच्चों को दाखिला करवा सकते हैं। जानते हैं वे ऐसी क्या बातें हैं जिनको हर अभिभावक को जानना चाहिए। सबसे पहले, कितने लोग ऐसे जानते हैं कि इंडिया में कितने बोर्ड्स हैं जो एग्जामिनेशंस, मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशंस या प्लस टू के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं? यदि किसी पेरेंट से आप पूछेंगे तो अधिकांश बोलेंगे दिल्ली बोर्ड, स्टेट बोर्ड एक्सेट्रा, पर दिल्ली बोर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ जानते ही नहीं हैं। और अभी तो एक इंटरनेशनल बोर्ड भी आ गया है, तो कैसे चुनाव करें कि सही बोर्ड, कौन सा बोर्ड सही है हमारे बच्चों के लिए? पहले तो ये समझ लें, सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दूसरा है आईसीएसई बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद इंटरनेशनल बैकलोरेट है जो प्लस टू के लिए है, और स्टेट बोर्ड्स, हर स्टेट के लिए सभी बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स दिए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में चलाए जाते हैं। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बोर्ड बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा, इसके लिए बोर्ड के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले बता दो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो एकेडमिक बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चालित है, और लगभग 30,000 से ज़्यादा स्कूल इससे जुड़े हुए हैं, रिकग्नाइज्ड है, एफिलेटेड है। आईसीएसई बोर्ड जो है वो 1967 में जो दिल्ली से शुरू की गई थी, ये बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस में है, बट अब इनकी संख्या करीब 2,100 के आसपास है। इनका दोनों का करिकुलम एकदम अलग है। स्टेट बोर्ड जो है वो लोकल लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, जैसे यदि बंगाल है तो बंगाल बोर्ड में बंगाली मीडियम का से इंस्ट्रक्शन में पढ़ाई लिखाई होती है, उड़िया बोर्ड है, उड़ीसा बोर्ड है तो उसमें उड़िया भाषा के साथ में पढ़ाई लिखाई होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो इस समय भारत का सबसे शीर्ष बोर्ड है जिसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। और यदि आप इंडिया में कहीं पे भी है, सीबीएसई का करिकुलम आपको सेम मिलेगा, आईसीएसई का करिकुलम भी सेम मिलेगा, बट डिफरेंस ये है कि सीबीएसई बोर्ड में आपको जो करिकुलम है, मेथडोलॉजीज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलाइंड किए हुए हैं। यानी बच्चा यदि प्लस टू तक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है तो आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो सकता है। आईसीएसई बोर्ड थोड़ा लेंदी बोर्ड है और इसमें कंटेंट काफ़ी है, हर सब्जेक्ट में काफ़ी कंटेंट है, काफ़ी लेंदी है, ये अलग तरीके से तैयार किया गया है, जिसमें बच्चे जो आर्ट्स वगैरह लेना चाहते हैं या इस तरह का कोई एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे नॉलेज लेना चाहते हैं वे आईसीएसई बोर्ड पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सीबीएसई बोर्ड बेहतर है, आईसीएसई बोर्ड खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड आज के हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट है और बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड बढ़िया है। लेकिन रूरल एरियाज में ना तो आईसीएसई बोर्ड है ना सीबीएसई बोर्ड है, वहाँ स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड में भी दो ऑप्शंस हैं, इंग्लिश बोर्ड, इंग्लिश मीडियम है और लोकल लैंग्वेज मीडियम है। तो ये पेरेंट्स को पहले सोच लेना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए डालना चाहते हैं, इंग्लिश में डालना चाहते हैं या लोकल लैंग्वेज में डालना चाहते हैं। काफ़ी लिमिटेशंस हैं लोकल लैंग्वेज में यदि आप बच्चों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहते हैं, और इंग्लिश में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है फिलहाल, अभी नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। और एक इंटरनेशनल बोर्ड जो है, जो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन है, ये कैम्ब्रिज द्वारा संचालित है, विश्व प्रख्यात है, और इसमें यदि आप ये समझते हैं
क्या आप अपने बच्चों को 10 के बाद या 12 के बाद विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो IGCSE बोर्ड बहुत अच्छा है, IB बोर्ड बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आपके बच्चे मैट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन देश में करना चाहते हैं, तो CBSE बोर्ड या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो ICSE बोर्ड पर भी आप दाखिला दे सकते हैं। लेकिन अभिभावक को ये पता होना चाहिए कि वे क्यों इस किसी स्कूल पे अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर बोर्ड के अंडर में एडमिशन करवा रहे हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्टेंस। आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने से पहले ये जरूर जान लें कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। यदि मालूम पड़ा कि बच्चे को स्कूल पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग गया, आने में 1.5 घंटा लग गया, तो बच्चों का 3 से 4 घंटा का समय पूरे दिन भर में खत्म हो जाता है और बच्चे टायर्ड भी हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमेशा देखना चाहिए कि डिस्टेंस कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी क्या है, स्कूल वाले क्या स्कूल बसेस दे रहे हैं या फिर लल्लू राम का स्कूल कैब स्कूल पुल कार चल रहा है जिसमें ठूस ठूस के बच्चे भरे जाते हैं और अनअटेंडेड बच्चों को स्कूल में फेंक दिया जाता है, या फिर बेहतर अटेंडेंस के साथ या अटेंडेंट के साथ कैब को चलाया जा रहा है। तो इस तरह की जानकारियाँ जरूर स्कूल में भर्ती होने के पहले ले लेनी चाहिए। तीसरी वो क्या बात है जो हर अभिभावक को जानना चाहिए, थर्ड ये है कि आप ये समझ लें कि स्कूल फीस जो है इस समय हर स्कूल का अलग अलग है और ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। CBSE स्कूल या ICSE बोर्ड में जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं या बड़े जिनके कैंपस हैं उनका फीस थोड़ा हायर साइड पे है, स्टेट बोर्ड की फीस जो है वो बहुत लोअर साइड में है। और आपको ये डिसाइड करना है कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, और फीस की जानकारी आप आसानी से या तो स्कूल ऑफिस से या उनके वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और आजकल तो लगभग कई एक डायरेक्ट ऑनलाइन साइट डायरेक्टरीज हैं जिसमें फीस के बारे में प्रॉपर बताया जाता है। फोर्थ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये समझ लें कि अपने बच्चों को जिस स्कूल में डाल रहे हो वो कैसा स्कूल है, वो डे बोर्डिंग स्कूल है, डे केयर स्कूल है, या नॉर्मल एक स्कूल है, या रेसिडेंशियल स्कूल भी है उसके साथ बोर्डिंग स्कूल भी है। तो डे केयर स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को खाना पीना नाश्ता वगैरह दे के उनको विदा किया जाता है, इंटायर डे का उनका ध्यान रखा जाता है, और इसमें लेंथ ऑफ स्टेज इन स्कूल एक्सीडेड फ्रॉम नॉर्मल स्कूल। जैसे यदि नॉर्मल स्कूल में 6 आवर्स का स्टे है तो इसमें 8 आवर्स का स्टे होता है। अभिभावकों को ये भी जानना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्कूल में किस तरह की मेथडोलॉजी या पेडागॉजी का इस्तेमाल किया जाता रहा है, या फिर एग्जामिनेशंस का मॉड्यूल क्या है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। यदि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड हैं तो क्या उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स स्कूल में अवेलेबल हैं कि नहीं। इसके अलावा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या स्कूल में मैदान या ग्राउंड्स वगैरह हैं कि नहीं, किस तरह के गेम्स वहाँ पर सिखाए जाते हैं या किस तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, जिससे बच्चों का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का तरीका भी बदल सके। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि क्या वो स्कूल प्लस टू तक है कि नहीं। यदि आप अपने बच्चों को लोअर नर्सरी से प्लस टू तक एक ही स्कूल में डालते हैं तो ये सुविधा की बात है और अच्छा है, बच्चा एक साथ एक स्ट्रीम में पढ़ के आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि मैट्रिकुलेशन के बाद में स्कूल चेंज करना पड़ता है तो कॉस्ट भी उसमें है और प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि स्कूल प्लस टू तक है तो वो बढ़िया है। आजकल अधिकांश स्कूल्स जो हैं वो प्लस टू तक ही हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप ये देख लें कि एज के बारे में ऐसा कोई CBSE या ICSE का गाइडलाइंस नहीं है, बट मैट्रिकुलेशन के समय बच्चों का उम्र को अंदाजन 15 साल माना जाता है कम से कम, या 14.5 से 15 साल, 15.5 साल मैक्सिमम 16 साल, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट सारे कई एक स्टेट्स में इस तरह के गाइडलाइंस हैं एज के बारे में। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्लास वन में जब बच्चा जाए तो 5.5 से 6.5 साल के बीच में दे उम्र हो तो अच्छा है, उस हिसाब से ही चयन करिए। उसके पहले आप यदि सोचते हैं कि कम उम्र में ही बच्चों को क्लास वन में डाल दे तो मेरा बच्चा जल्दी आगे बढ़ेगा, ग्रेजुएशन जल्दी करेगा, नौकरी जल्दी करेगा, बिजनेस जल्दी करेगा, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन का हमेशा ध्यान रखें, क्लास वन के पहले 3 साल यानी लोअर नर्सरी, अपर लोअर केजी एंड अपर केजी इसमें ज़रूर पढ़ाएं, उसके बाद ही उसे क्लास वन में डालें। चाहे तो आप प्री प्राइमरी किसी लोकल स्कूल में पढ़वा सकते हैं और क्लास वन से आप एडमिशन जो है एक कोई रेप्यूटेड स्कूल में कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं।
और इसके पहले मॉन्टेसरी में 1.5 साल से पहले बच्चों को ना भेजें। आजकल देखा जा रहा है अभिभावक बहुत जल्दी में हैं, वे अपने बच्चों को फटाफट भेजना चाहते हैं स्कूल में कि फटाफट उनके बच्चे जो है वो स्कूल जाने लगे, फटाफट बोलने लगे। ऐसा नहीं है, और बच्चों का जो मेंटल जो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए 1.5 साल से पौने 2 साल में बच्चों को मॉन्टेसरी में भेजें, ताकि 6-8 महीना वो वहाँ पर खेल कूद के पढ़ सके, और उसके बाद में 2.5 साल 3 साल की उम्र में जो है वो एप्लीकेशन करें, ताकि बाद में वो जो है एक रेपुटेड स्कूल में या लोकल स्कूल में जा सके। इसके अलावा स्कूल के वेबसाइट्स को जरूर देखना चाहिए, उनके फेसबुक पेज हैं, उनके गूगल पेजेस हैं, उनके रिव्यूज़ हैं, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे ये मालूम पड़ता है कि उस स्कूल का स्टैंडिंग क्या है, उनके बच्चे का कैसा, वहाँ पे बच्चों का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। और यदि ये सब विचार हम लोग करके अपने बच्चों को एडमिशन में लेते हैं, यदि अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे स्कूल का चुनाव कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें। आप अपने मित्रों के साथ, अभिभावकों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और हमें इसी तरह इंकरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।